समस्त जैन समाज आज बड़ी चिंता में, सोच में और विचार करने में लीन है। अनोप मंडल द्वारा अनर्गल प्रचार, दुष्प्रचार जैन समाज के लिए जो किया जा रहा है, अनोप मंडल द्वारा की जा रही कार्रवाई के द्वारा किए जा रहे किसी भी कार्य को जैन समाज का बच्चा बच्चा भी मानने वाला नहीं है, उसका खुलकर विरोध करेगा। और बड़ी खुशी की बात है कि इस विषय को लेकर समस्त भारतवर्ष में जैन समाज पूरी तरह से जागरूक हुआ है। और इसी संदर्भ में भाई पवन गुहारा जी, अशोक क्रांतिकारी जी ने जो एक राष्ट्रीय समन्वय समिति का गठन कर एक कदम आगे बढ़ाने का जो प्रयास किया है वह सराहनीय और प्रशंसनीय है। मेरी समस्त जैन महानुभावों से, संस्थाओं से, समस्त श्रेष्ठीगणों से, समस्त नेताओं से प्रार्थना है कि यह एक संकट की घड़ी है और किसी संकट को फेस करने का या उससे निकलने का एक ही रास्ता होता है कि बड़ी शांति से उस संकट के निवारण के रास्ते सोचे जाएं, जोश में होश ना खोएं। हम तो भगवान महावीर की अहिंसा के मानने वाले हैं और वह अहिंसा जिसको अपनाकर महात्मा गांधी ने देश को आज़ादी दिलाई थी। पर यह भी बिल्कुल बात पक्की है, स्पष्ट है कि जैन समाज को अगर कहीं कोई भी किसी प्रकार से आघात या नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा तो वह किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। बंधुओं, कोई भी रास्ता निकालने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम आपस में सोचें, विचारें और एक जूम पर मीटिंग कर एक एक्शन प्लान, स्ट्रेटजी बनाएं जिसको हम फॉलो करें और उसको हम ही नहीं समाज फॉलो करें। यह समय वो नहीं है कि हम किसी भी प्रकार के माध्यम का प्रयोग कर, चाहे वो समाचार पत्र हों, दूरदर्शन हो, टीवी के चैनल हों, उन पर अभी इस विषय को ले जाने का समय नहीं आया है। इस पर हमें अंदरूनी बैठकर किस तरह से इसका विरोध करना है उस पर स्ट्रेटजी बनानी जरूरी होगी। और उस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए अहम जानकारी हमारे पास होनी चाहिए कि यह जो अनोप मंडल नाम की संस्था है या जो व्यक्ति इससे जुड़े हुए हैं वह कौन लोग हैं, को क्या गतिविधियां इनकी पिछले समय में रही हैं और क्या यह मंडल अकेला है या इसके पीछे कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जो जैन समाज को परोक्ष या अपरोक्ष रूप से नुकसान पहुंचाना चाहती हों। यह सब जानकारी हमारे पास होना अति आवश्यक है। यह सब चीज़ें हमारे पास आएं, हम बैठें, विचारें, जल्दी में कोई भी एक्शन लेने से पहले हमें विचार करना होगा अपना प्लान एक्शन, क्योंकि यह इस तरह का विषय है कि जो एक दिन में सॉल्व हो जाने वाला नहीं है। जब अगर मैदान में उतरे हैं
तो हमें पूरे प्लान से इसको लड़ना होगा, सामने आना होगा। मैं सभी को राष्ट्रीय समन्वय समिति जो भाई पवन गुहारा जी और भाई अशोक क्रांतिकारी जी ने बनाई है, सबसे प्रार्थना करता हूँ उनको पूर्ण सहयोग दें और इसमें पूर्ण समर्पण रूप से, समर्पित रूप से, बगैर किसी स्वार्थ के भाग लें। मेरी यही भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद।